फ्रेंड्स, स्वास्थ्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी ग्रेवी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुर्जी ग्रेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर भुर्जी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है, 3 बड़े लाल टोमेटो लिए हैं जिसकी कि मैंने प्यूरी बना के रखी हुई है, 2 चम्मच घर के ताजे फ्रेश दूध की मलाई ली है, 20 से 25 काजू लिए हैं, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी और नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम ये पनीर लेंगे और इसे इस तरह से मैश करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पूरा पनीर ऐसे हाथों से मैश कर लिया है। हमें इसे ऐसे ही करना है। मैंने गैस पर एक कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। अब हम उसमें 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। जीरा, प्याज डालेंगे, ये अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे, प्याज को ग्रिल होने देंगे थोड़ा सा पहले। हमारा प्याज अब ग्रिल हो चुका है। अब हम उसमें ये काजू डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें ये टोमेटो की प्यूरी डालेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इन सबको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ये बेसन डालेंगे और इस बेसन को भी इसमें फ्राई करेंगे। अब इन सबको हम ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। छह सात मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं
हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ये गरम मसाला डालेंगे। ये मलाई डालेंगे। कसूरी मेथी, नमक, हरा धनिया, और क्रश किया हुआ अपना ये पनीर डालेंगे। हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें पानी डालेंगे। हमने इसमें करीबन 2 कटोरी पानी डाला है, आप देख सकते हैं। 1 ग्लास पानी लिया था, उसमें से 1 कटोरी पानी बच गया है। वैसे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट के अनुसार रख सकते हैं। अब हम इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे। पाँच से सात मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी पनीर भुर्जी ग्रेवी अब पूरी तरह से रेडी है। अब हम गैस बंद करेंगे। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से बनी है। आप इसे अपने टेस्ट के अनुसार गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे। अब हम इस पर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे। और हरा धनिया। हमारी गर्मा गर्म पनीर भुर्जी ग्रेवी रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नई रेसिपीज के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।